अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। बेटा टुडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो है साइंस का। मिस सोबिया हेयर। सो एज बिफोर आपको इस क्लास में भी साइंस पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा, आपका जो है टॉपिक, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप फर्स्ट टर्म में, वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपकी बुक का ये यूनिट नंबर 3 है और आपके फर्स्ट टर्म में आपकी कॉपी का ये चैप्टर नंबर 1 होगा। यूनिट नंबर 1 होगा आपकी कॉपी का, लेकिन ये आपकी बुक का है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा बेटे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका अभी हम जो है लेक्चर देखेंगे कि इसमें बताया क्या गया है आपकी बुक में, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ विल यू मेंटेन योर कॉपी और कॉपी वर्क। ठीक है, पहले आप इसका टाइटल समझ लें बेटे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स कि एक सिस्टम है जिसमें वर्क क्या होगा बेटे, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होगा। ट्रांसपोर्टेशन का वर्क मतलब एक चीज़ इधर से उधर जाएगी या उधर से इधर आएगी। ठीक है, इसमें हम ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। तो बेटा आपकी बुक का साइंस की बुक स्टैंडर्ड नंबर स्टैंडर्ड 7 की साइंस की बुक का पेज नंबर है 20, जिसमें ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी हेडिंग से, द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो इसमें इसकी उर्दू मीनिंग है निज़ाम खून का दौरानिया, हम इसे कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है बेटे, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो किस तरह से होती है बेटा? ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो मेन ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है वो है आपका हार्ट। ओके बेटे, आपका हार्ट जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। अच्छा, अब पेज नंबर 20 पर द सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है बेटे, द हार्ट इज अ मस्कुलर पंप, इट पुशेस ब्लड अराउंड द बॉडी थ्रू द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, दे यूजुअली लाई डीपली एम्बेडेड इनसाइड द बॉडी। आर्टरीज डिवाइड इंटू स्मॉल थिन वॉल वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, कैपिलरीज पेनिट्रेट इंटू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। द ट्रांसफर ऑफ फूड गैसेज एंड एक्सक्रीटरी मटीरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक्स प्लेस बाई डिफ्यूजन थ्रू द थिन वॉल कैपिलरी वॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप देख लें, फिर ये दोनों पैराग्राफ में एग्जैक्ट लिखा हुआ क्या है ये मैं आपको एक ही दफ़ा समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट, वेन्स आर वाइडर देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल्स, दे हैव वेल्स टू टेक मेक श्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स इज यूजुअली लो। अच्छा बेटे, यहाँ पर आप लोगों ने तीन वर्ड्स देखे होंगे इस पैराग्राफ के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बताया गया कि आपका जो हार्ट है वो है पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर जो है आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन्स का जिक्र किया गया है। आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन्स क्या होती हैं बेटा, आप जो है अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको ये डायग्राम नज़र आएगी, ये वाली डायग्राम। आपके पास जो यहाँ पर सेंटर में बना हुआ है ये हार्ट मौजूद है। ठीक है, हार्ट जो है, अब यहाँ पर ये देखें, ये ट्यूब्स निकल रही हैं, कुछ ट्यूब्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं जो आपके ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती हैं। जहाँ पर ब्लड की मतलब ब्लड जहाँ पर भी पहुँचता है वो इन आर्टरीज इन ट्यूब्स के ज़रिए पहुँचता है। अब देखें, यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आपके पास आपके हार्ट में क्या मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। अब ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो किस तरह से करेगा, वो इस तरह से करेगा कि जो है ब्लड ट्रांसफ़र करेगा, हार्ट जो है ब्लड ट्रांसफ़र करेगा इस ट्यूब के अंदर जिसका नाम आर्टरी है। आर्टरी सिंगुलर है और प्लूरल हो जाएगा तो वो आर्टरीज कहलाएंगी। इन आर्टरीज में जाएगा, इन आर्टरीज के ज़रिए, ये सिर्फ आर्टरीज सीधी नहीं है, ये हर जगह पर जाती हैं।
आर्टरीज के जरिए ब्लड हर जगह पर पहुंच जाएगा। अच्छा, आपके पास जो ये ब्लड यहाँ पर मौजूद होता है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। आपके मसल्स को जो फूड रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं वो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, ताकि ब्लड जहाँ जहाँ पर जाए वो तमाम चीज़ें उन सारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर दें। अब ब्लड गया इन आर्टरीज़ में, इन आर्टरीज़ में जाने के बाद यहाँ पर इसने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जहाँ पर जिसको जो भी चीज़ की ज़रूरत थी। अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए था, वहाँ पर उसने ऑक्सीजन दे दिया। अगर किसी ऑर्गन को कुछ और चाहिए था तो वहाँ पर उसने वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया। अब जब सारी चीज़ें यहाँ पर उसने दे दी, अब जब ये अब सारा ब्लड वापस बॉडी में ही तो नहीं रह सकता, उसने वापस हार्ट के पास भी जाना है। तो अब यहाँ पर मौजूद हो जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज किसे कहते हैं बेटे? कैपिलरीज कहते हैं आपके पास वो ट्यूब्स जिसमें ये बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो आर्टरीज से डिवाइड हो गई हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं और गैसेस वगैरह हैं ये यहाँ पर इधर ही रह जाएंगी। और इसके अलावा जो ब्लड है आपका, सिर्फ ब्लड वो कहाँ पर चला जाएगा? ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर जाने के बाद ये वापस से किस वे पर जाएगा? वापस से हार्ट की तरफ जाएगा। अब वापस से हार्ट की तरफ जाने के लिए ये किस ट्यूब की सपोर्ट लेगा, जिस ट्यूब की मदद लेगा, उस ट्यूब का नाम क्या है? वेंस कहलाते हैं वो। आपको डिफरेंस समझ में आ गया आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेंस का? दोबारा अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपके पास हार्ट मौजूद है, जहाँ पर क्या मौजूद होता है? ब्लड मौजूद होता है। ब्लड आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है तो ब्लड को बॉडी में जाने के लिए कुछ ट्यूब्स की ज़रूरत होती हैं। अच्छा, ट्यूब्स जिस ब्लड जो है जिन ट्यूब्स के जरिए पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा, उन ट्यूब्स का नाम क्या है? आर्टरीज है। आर्टरीज के बाद आ जाती हैं आपके पास कैपिलरीज, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स फूड वगैरह में हेल्प करती हैं, कि जो भी आपके पास फूड है या गैसेस हैं वो आर्टरीज पहले ही इधर रोक लेगा, और सिर्फ जो ब्लड है वो आर्टरीज से पास आउट हो जाएगा। आर्टरीज से पास आउट होने के बाद वो वापस किस तरफ चला जाएगा? वेंस की तरफ चला जाएगा। अब वो वेंस क्या करेंगी? वेंस जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके वापस उसको कहाँ लेकर जाएंगी बेटे? हार्ट की तरफ लेकर जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूँ एक टर्म जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें कि काम आएगा आपके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। अच्छा, अब जो आर्टरीज में ब्लड आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है ब्लड यहाँ पर आया, इस तरफ जो ब्लड आएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा जहाँ जहाँ पर ब्लड जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जब ये वेंस की तरफ जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन सारी की सारी कहाँ आ चुकी है? डिफरेंट ऑर्गन्स में आ चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड उस तरफ जाएगा, और वो ब्लड कौन सा कहलाएगा? वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको यहाँ पर आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस के बारे में समझ आ गया होगा। अब आ जाएं हार्ट की तरफ, के हार्ट में चैम्बर्स या उसकी शेप किस तरह की होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो है हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। बिल्कुल ही गलत है ये। हार्ट लेफ़्ट साइड पर मौजूद नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होता है टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, थोड़ा सा झुकाव जो होता है उसका वो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, लाइक दैट, इस तरह से। लेकिन ये बाकायदा लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट नहीं होता, सेंटर में ही मौजूद होता है। आपके पास जो ह्यूमन हार्ट है, इंसानी दिल, उसके चैम्बर्स मीन्स खाने, चैम्बर्स कहते हैं खानों को या बॉक्सेस आप इसे कह लें। आपके हार्ट के पास 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर देख लें, 1, 2, 3, 4 चैम्बर्स हैं, और इन चारों चैम्बर्स के अलग अलग नाम हैं। आपके पास ये कहलाएगा ये वाला चैम्बर जो आपके राइट साइड पर है, राइट एट्रियम, आप एट्रियम कह लें या ऑरिकल कह लें, बोथ आर सेम, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल। ये वाला कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाली साइड पर आ जाएं, नीचे वाली साइड पर ये कहलाएगा आपका राइट वेंट्रिकल, और ये वाला कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। मींस के आपके पास हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम या ऑरिकल्स कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो लेफ्ट साइड पर होगा उसे लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, और जो राइट साइड पर होगा उसे राइट एट्रियम और ऑरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ द हार्ट पम्प्स ब्लड। फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।